आदाब नाजरीन, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपना वक्त बचाएं। कई मर्तबा ये शिकायत सुनने में आती है कि वक्त काफ़ी नहीं होता। सही मानों में ऐसा कहने की बजाय ये कहना मुनासिब होगा कि मेरे पास जो वक्त है उसका सही इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता, उसमें कई रुकावटें आती हैं, मैं क्या करूं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि गपशप करने के लिए सामने आकर लोग बैठ जाते हैं और हमारे वक्त को बेकार कर देते हैं, उन्हें जाने के लिए मना भी नहीं कर सकते। असल मसला वक्त की प्लानिंग का नहीं होता, बल्कि लोगों को मना नहीं कर सकते ये मसला होता है। इसलिए इग्नोर करना सीखिए। हम अपना वक्त वेस्ट क्यों करें? एक रोज़ पहले हमने जो अगले दिन की प्लानिंग बनाई है, कितना काम करना है, कौन कौन से कामों को अंजाम देना है, घर के कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं वगैरह वगैरह, वो काम कब होंगे। हम तो हमेशा कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, फिर वक्त बर्बाद करने में तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों, ये तो हमें मालूम है कि कमान से निकला हुआ तीर, बोला हुआ लफ्ज़ और गुजरा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आ सकते। वक्त और समंदर की लहरें कभी किसी के लिए नहीं थमती। शोहरत याफ्ता बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड कहते हैं, कामयाबी, इज्जत, खुशियां और सुख हासिल करने का राज वक्त की पाबंदी करने में और वक्त की प्लानिंग करने में पोशीदा है। सही मानों में ग्रेट इंसान सबके लिए वक्त और वक्त में सब कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दोस्तों, वक्त सबसे बड़ा सरमाया है। ज़्यादा लुटाना या कंजूसी करना, ये दोनों ही बातें इस दौलत के लिए गलत साबित हो सकती हैं। एक कंपनी के मालिक ने वक्त की मंसूबाबंदी पर एक वर्कशॉप मुनाक़द किया। वो सुबह 9 बजे शुरू होने वाला था। उस वर्कशॉप के मोटिवेशनल स्पीकर्स मुकर्ररा वक्त से 15 मिनट पहले आ गए। इन्वाइटर्स ने उनका वेलकम किया और उन्हें जलसा गाह में ले गए। पूरा हॉल खाली देखकर स्पीकर ने पूछा, कहाँ है तमाम शिरकत करने वाले मेम्बरान? होस्ट ने बहुत आजीजी से कहा, वो आने ही वाले होंगे 5 या 10 मिनट में, हम जब तक इंतज़ार कर लेते हैं। प्रोग्राम के चेयरपर्सन ठीक 9 बजे जलसा गाह से निकलकर चले गए। 9:05 से एक एक मेंबर आने की शुरुआत हो गई। इन सब का ब्लैकबोर्ड पर लिखे हुए मैसेज ने इस्तकबाल किया। ये पैगाम लिखा हुआ था, वक्त की पाबंदी का पहला उसूल वक्ते मुकर्ररा से 5 मिनट पहले आओ, नहीं तो आज की तरह मौका गंवा बैठोगे। वक्त की पाबंदी करना या काम वक्त पर अंजाम देना इंसानी शख्सियत का अहम हिस्सा है। 14वां लुईस कहता है, वक्त की पाबंदी करना बादशाहों की पसंदीदा आदत है और ये तहजीब याफ्ता होने की अलामत समझा जाता है। तमाम नेक इंसानों में ये खूबी होना ज़रूरी है। तिजारत पेशा या इंडस्ट्रियलिस्ट की तो ये आधी ज़रूरत है, जो अपनी मुलाकात का वक्त संभालता है और दूसरों के वक्त की कद्र करता है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने सेक्रेटरी से देर क्यों हुई ये वजह पूछी, तो सेक्रेटरी ने कहा, घड़ी पीछे चल रही थी। तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, या तो अपनी घड़ी चेंज कीजिए या मुझे अपना सेक्रेटरी बदलने दीजिए। जिन लोगों में वक्त की पाबंदी नहीं होती, वो तमाम बातें देर से अंजाम देते हैं। ये लोग जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो इनकी गाड़ी छूट चुकी होती है। पोस्ट बॉक्स से लेटर निकल जाते हैं तब ये अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं, तो यहाँ भी वो लेट हो जाते हैं। इंटरव्यू की जगह पर देर हो जाने से अच्छी खासी नौकरी इनके हाथ से चली जाती है। जिस तरह से ये वक्त बर्बाद करते हैं, उसी तरह सक्सेस भी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वक्त किसी का इंतज़ार कभी नहीं करता। सुस्ती और बेकार कामों में जो वक्त गंवाता है, वक्त उसकी कदर नहीं करता। इंसान खुद अपनी तरक्की के रास्ते बंद कर देता है और जो शख्स वक्त बर्बाद करता है, वो सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करता बल्कि अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा देता है। शोहरत याफ्ता अंग्रेज़ी राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने रोज़ाना सिर्फ 5 पेजेस लिखने का इरादा मुकम्मल ना किया होता तो लोगों को वो एक बैंक कैशियर के तौर पर ही याद रहता।
गंवाई हुई दौलत कुछ बचत करके और मेहनत करके दोबारा मिल सकती है। जो नॉलेज हम भूल चुके हैं वो भी दोबारा पढ़ने से हासिल हो सकता है। जो सेहत हमारी बर्बाद हो चुकी है वो भी इलाज के ज़रिए दोबारा अच्छी हो सकती है। लेकिन साथियों, गया वक्त कभी हासिल नहीं किया जा सकता। नादान हो जो खोकर पाने की कोशिश करते हो, नादान हो जो खोकर पाने की कोशिश करते हो, क्या कभी गुजरे वक्त को वापस आते देखा है? साथियों, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कामयाबी आपकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया।